सातवीं क्लास की एक स्टूडेंट की रहस्यमयी हालत में मौत के बाद से मणिपुर की राजधानी इम्फाल में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी इम्फाल को 24 घंटे तक बंद रखने की अपील की, जिससे आम जिंदगी पूरी तरह थम गई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जांच एजेंसियां इस केस की तफ्तीश ईमानदारी से नहीं कर रही है। सातवीं क्लास की एक स्टूडेंट की मौत के बाद मणिपुर की राजधानी इम्फाल में बुलाई गई 24 घंटे की हड़ताल से आम जिंदगी पटरी से उतर गई है। इस हड़ताल की वजह से इंटरस्टेट और इंटरसिटी बस सेवा लगभग ठप हो गई है और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। सभी सरकारी और निजी दफ्तर, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, बाजार और स्कूल कॉलेज भी पूरी तरह बंद रहे। प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी, इलेक्ट्रिसिटी, फायर सर्विस और धार्मिक आयोजनों को हड़ताल से छूट दी थी। नाबालिग रॉबर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में सातवीं क्लास की स्टूडेंट थी और 18 जुलाई को उनकी लाश हॉस्टल के एक कमरे से लटकी मिली थी, लेकिन परिवार ने इसे खुदकुशी मानने से इनकार कर दिया और हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की। परिवार का आरोप है कि स्थानीय पुलिस इस मामले की जांच दबाने में लगी है, जिसके बाद से इम्फाल में प्रदर्शन भड़क गया। नाबालिग को इंसाफ दिलाने के लिए एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई गई है, जो इम्फाल के महिला, छात्र और सिविल संगठनों को एकजुट करने में लगी हुई है, ताकि पुलिस पर सही तफ्तीश के लिए दबाव बनाया जा सके। इम्फाल पुलिस ने फिलहाल रॉबर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल के संस्थापक प्रिंसिपल और उनकी बेटी को गिरफ्तार करके जाँच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।